नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चिंता यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने मीडिया से बात की है और आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा प्रदेश के सभी 8 क्लस्टर पर कोर कमेटी बैठक की जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर से 25 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। लोकसभा चुनाव जैसे ही उसकी घोषणा हुई, तारीखें तय हो गई, आचार संहिता लगते ही हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कोर टीम की बैठक भी बुलाई और अपने स्वयं के इतनी व्यस्तता के बावजूद भी कल रात को दिल्ली में थे, अभी आपको जोधपुर में मिलेंगे। यानी उन्होंने तय कर लिया कि सर्वप्रथम पहला जो हमारा चक्र चलेगा उसके अंदर प्रथम चरण में और 8 हमारे जो क्लस्टर है, 8 क्लस्टरों पर मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं सीपी जोशी जी और भजन लाल जी स्वयं वहाँ पर जाकर और कोर टीम के साथ भी मीटिंग करेंगे और वहाँ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है या जिनको हमने संगठनात्मक इस रणभेदी में चुनाव के अंदर काम करने के लिए जिनको दायित्व सौंपा है, ऐसी 600 700 की 800 के लगभग टीम होगी, उसके साथ बैठकर विस्तार से बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ लोगों से 1-to-1 भी बात करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आज 2 क्लस्टरों में जाएंगे, कल 3 क्लस्टर और है वहाँ करेंगे और उसके बाद में और 21 तारीख को कोटा और जयपुर, ऐसा करके ये हमारा 8 क्लस्टरों का जो प्रवास है वो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पूर्ण करने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि जो संकल्प लिया है 25 कमल खिलाने हैं उसके लिए जी जान से लगे हुए हैं कार्यकर्ता और हमारा पूरा नेतृत्व। देखिए सीएम साहब एक कार्यकर्ता है, पूरे राजस्थान में जो व्यक्ति 4-4 बार प्रदेश के महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और जिन्होंने संपूर्ण राजस्थान का दौरा किया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां पर भजन लाल जी न गए हो। तो अपने जीवन का महत्वपूर्ण और समय इस राजस्थान की धरती पर कार्य करते हुए संगठनकर्ता के नाते लगाया है, इसलिए उनको पल पल की पता है, सब कुछ उनको जानकारी है, पूरे अलर्ट मोड पर है। जहां कहीं भी कहीं न्यूनता आती है तो हमारे पास तो बाद में उसके पहले उनके पास सूचना पहुंचती है और तुरंत उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं। देखिए ये चुनावी नीति की बात है, इसके अंदर एक स्वाभाविक है, जब जागरूक हम, जब मैं कह रहा हूँ ऊर्जावान सीएम है, जागरूक सीएम है और हमारा अपना एक कार्यकर्ता सीएम बना है, तो स्वाभाविक बात है कि सब कुछ जहाँ जहाँ भी न्यूनता होगी उसको दुरुस्त करेंगे। एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि भजन लाल जी और सी पी जोशी जी के नेतृत्व में राजस्थान के 25 कमल खुलेंगे। हमने मोदी जी को आश्वस्त किया है कि 25 की 25 सीटें हम जीता कर आपको देंगे। बहुत दे देखिए संकल्प पत्र का कार्य हमारा लगातार चल रहा है, आप लोगों ने भी दिखाया होगा, तो संकल्प पत्र विकसित भारत संकल्प पत्र का कार्यक्रम देश राजस्थान की धरती पर सर्वत्र चले हैं, हमारे रथ हर लोकसभा में गए हैं और पार्टी के कार्यक्रम भी आपने देखे होंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं। अभी हाल ही में कल 148 स्थानों पर संकल्प पत्र संग्रहण का कार्य हुआ, वहाँ पर प्रबुद्ध जनों के साथ में और एडवोकेट्स के साथ में, कॉलेज विद्यार्थियों के साथ में राजस्थान भर में बैठ कर हमारे कार्यकर्ता और संकल्प पत्र का संग्रहण कर रहे हैं और इस काम का लगभग समापन किया और अतिशीघ्र इसका संकलन करके हम इस जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 24 मार्च को एक बार फिर से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का मुकाबला होने जा रहा है। इसमें राजस्थान रॉयल्स टीम घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स के साथ खेलती हुई नजर आएगी। यह मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम में लगभग एक साल बाद होगा, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ भी देखने को मिलेगी। जैसा कि सभी जानते हैं जयपुर को दुनिया भर में गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान रॉयल्स की ड्रेस का रंग भी गुलाबी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को पिंक थीम पर सजाया गया है। राज्य सरकार के निर्देश में हमने बीसीसीआई से निवेदन किया कि इन मैचों के आयोजन का जिम्मा है वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को दे। बीसीसीआई ने हमारा निवेदन स्वीकार किया, राज्य सरकार हमारे साथ खड़ी है, ये मैच आयोजित होने जा रहे हैं, मैचों की सभी तैयारियाँ चल रही है। आप देख रहे हो हमारा समस्त स्टाफ इन तैयारियों में लगा हुआ है, सबको संबंधित को ड्यूटियाँ दे दी गई है। जो मैच है प्रथम मैच 24, 28 और 6 तारीख के मैच यहाँ पर होना डिक्लेयर हो गए हैं, आशा है कम से कम 2 मैच और जयपुर को मिलेंगे। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार सुबह भदवासिया सब्जी मंडी किसी ब्लॉक में होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। शेखावत ने इस दौरान होली स्नेह सिमन ताचले समारोह में फूलों की होली खेली और सभी के साथ ठाकुर जी के भजन भी गाए। होली का ये त्योहार जो है ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है।
जहां ऊंचे नीचे अमीर गरीब का भेद भुला करके सब लोग एक दूसरे के साथ खुशियों के एक ही रंग में सराबोर होते हैं। और अब की बार की होली तो और भी विशिष्ट होली है, जब भगवान श्री राम लला के अपने घर में पदार्पण के बाद में देश पहली बार उस होली के रंग में रंगा हुआ। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार भी हम सब के सामने है, जब हम देश के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। आज जिस रास्ते पर हमारा देश चल रहा है, तब जिस तरह से होली के रंग में हम सब लोग एक ही रंग में रंग करके सराबोर होते हैं, एक ही तरह के भाव के साथ में हम सब लोग होली के उस त्योहार को मनाते हैं, ठीक उसी ऊर्जा उष्मा के साथ में, उसी एक रूपता के साथ में, उसी एक ध्येय और लक्ष्य के साथ में हम सबको अभी इस बदलते हुए परिदृश्य में राष्ट्र निर्माण के लिए एक साथ सराबोर होने की आवश्यकता है। मैं आप सबको होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आने वाले सभी त्योहारों पर बहुत बहुत सारी बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं कार्यकारिणी का कि आप सबने मुझे आज इस कार्यक्रम में आप सबके साथ में खुशियों के कुछ पल बिताने के लिए आप सब लोगों ने मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। खबर जयपुर से है, जहां परशुराम खेल समिति द्वारा परशुराम क्रिकेट लीग का छठवां संस्करण 23 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी जेएलएन मार्ग पर आयोजित किया जा रहा है। खेल समिति के चेयरमैन महेंद्र शर्मा के अनुसार इस बार ब्राह्मण युवाओं के साथ साथ अन्य वर्ग के युवाओं को अवसर दिया जा रहा है। प्रतियोगी में लगभग 32 टीमें भाग लेंगी। संयोजक राहुल शर्मा ने इस दौरान बताया कि विजेता टीम को 51,000 नगद पुरस्कार और उपविजेता टीम को 21,000 नगद पुरस्कार राशि के तौर पर दी जाएगी। साथ ही विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी भी दी जाएगी। थोड़ा सा खेलकूद में पिछड़ा हुआ है और क्रिकेट एक ऐसा आयोजन है जो पूरा देश प्रदेश और विदेश तक फेमस है, और इसमें अगर हमारे समाज के कुछ युवा खिलाड़ी अपना कैरियर बना सकते हैं तो हमने उसके लिए परशुराम क्रिकेट लीग अपना आयोजन करते हैं, और जिससे कि सारे और एक मेन उद्देश्य ये है कि समाज के युवा हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, आपस में एक दूसरे की खेल भावना से खेलें, और खेल एक माध्यम है जिससे सारे के सारे युवा और उभरते हुए हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये हमने शुरू किया था 2018 में, दो साल हम कोविड में नहीं कर पाए और रेगुलर हम उसके बाद कर रहे हैं। अशोक शर्मा जी हैं जो हमारे इसी जो PCL से उभरते हुए खिलाड़ी थे, जो अब IPL में खेल रहे हैं। प्राइस हमारा फर्स्ट प्राइस जो है हमारा 51,000 रुपये है और सेकेंड जो प्राइस है वो 21,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ है। खबर डिडवाना से है, जहां जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें ठेले वालों और स्ट्रीट वेंडरों की ओर से किए जा रहे स्थायी अतिक्रमण को हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। इसी के तहत नगर परिषद ने अभियान चलाकर सड़क पर अतिक्रमण करने वाले हाथ ठेले और स्थायी कैबिनों को हटा दिया है। नगर परिषद की टीम ने अस्पताल चौराहा, फव्वारा सर्किल और DTO कार्यालय के सामने से स्थायी अतिक्रमण हटाए गए हैं। साथ ही कई जगहों पर अतिक्रमण करके रखे गए कैबिन और ठेलों को क्रेन की मदद से उठाकर नगर परिषद ने रास्ता साफ करवाया। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया है कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर आगामी दिनों में शहर भर में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। शाहजहांपुर में होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। शहर में परंपरागत तौर से 8 छोटे बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। ये सभी जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाएं, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जुलूस मार्ग को 3 जोन और 8 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिस पर जोनल सेक्टर, उप सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। इन सभी तैयारियों के लिए DM उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें तमाम नागरिक समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। खबर झांसी से है, जहां थाना लहचूरा की ग्राम अटायल के हरदयाल कुशवाहा ने शराब के नशे में अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बेटे ने पहले अपने पिता को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे उसके पिता की मौत हो गई। वहीं जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो दलबल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल
आरोपी फरार बताया जा रहा है। थाना लेचुआ के इटायल ग्राम में कल एक बेटे ने नशे की हालत में अपने पिता से किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया था। उसने गुस्से में एक डंडे से सर पर मार दिया, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का नाम बालकृष्ण कुशवाहा है और इनके शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराकर अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई। कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने शहर के ऐतिहासिक गढ़ परिसर को औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने गढ़ परिसर की पुरानी क्षतिग्रस्त हो रही दीवारों की लगातार कमजोर होने और क्षतिग्रस्त हालत में होने को लेकर जानकारी ली। साथ ही उन्होंने दीवारों के पास से हो रहे अतिक्रमण को भी तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए। ज़्यादातर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ साथ इस हमारी विरासत के संरक्षण करने के लिए भी उनको प्रेरित किया गया। एक नगर परिषद के सहयोग से यहाँ पे सफाई अभियान की भी हमने शुरुआत करी है। हमारी जो पुरानी इमारतें हैं इनमें जो जर्जर हो चुके भवन, उनके बारे में भी हमने विचार किया कि उनका क्या कर सकते हैं। साफ़ सफाई का जो अतिक्रमण है उनके बारे में एक रिपोर्ट के लिए मैंने नगर परिषद को कहा है, वो तैयार करके इस पूरे कैंपस को साफ सुथरा और जो भी आमजन यहाँ आना चाहे वो सुविधापूर्वक इस इलाके का भ्रमण कर सके। खबर धौलपुर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ब्लैकमेल से परेशान कक्षा 10वीं के छात्र के सुसाइड के मामले में मीणा समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया है, जिसके माध्यम से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले 10वीं के छात्र शुभम मीणा ने 15 मार्च को रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने 5 साथियों पर लड़की के साथ अश्लील फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे। छात्र का कहना है कि उसके दोस्त 2 साल से उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और परेशान कर रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जो बच्चा 10वीं पढ़ रहा था, उस बच्चे के साथ में ब्लैकमेलिंग का मामला था। पहले भी उन्होंने 2 साल पहले परवाद दिया था कोतवाली में, वो दर्ज नहीं हुआ था और 13 तारीख की इनकी घर पर चोरी हुई थी, उसका भी परवाद दिया गया था तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज जब 15 तारीख को बच्चे की डेथ हो गई है, फ्लैट कर दिया, उसके बाद ऐसे साथ ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमारे साथ ऐसी ब्लैकमेल बच्चों को जो कर रही टीम कर रही है, कोई सी ग्रोह है उसका पर्दाफाश किया जाए और किसी ऐसे अन्य कोई बच्चे के साथ घटना न घटे, ऐसे न्याय की गुहार के देगी ऐसे हिसाब से ज्ञापन। पढ़ने वाले छात्र को ये लोग काफ़ी 2 साल से परेशान कर रहे थे, जिन्होंने उसको ब्लैकमेल किया, पैसा भी दिया और लास्ट में उसके घर में चोरी करके उसका पैसा ले गए और इसके बाद में उसने प्रेशर में आकर के उसने सुसाइड कर दिया। और उसके हम न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से इस बच्चों का भी शोषण हो रहा है, तो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये क्रम होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चों का और अन्य बच्चों का भी स्टाफ से शोषण हो रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई की हम अधीक्षक महोदय से, जिलाधीक्षक महोदय धौलपुर से हम डिमांड कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें न्याय मिलेगा। खबर हाथरस से है, जहां जंक्शन कोतवाली के पीछे वन विभाग के संरक्षण में नीम के हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि हरे पेड़ों के कटान पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन लकड़ी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम नीम के पेड़ काटे जा रहे हैं। आलम यह है कि वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उधर कोटा शहर के पुलिस ने अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 कार को बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले कई दिनों से चोर गिरोह द्वारा वारदातें करने की शिकायत मिल रही थी, जिसमें शहर में शादी समारोह के बाहर या लोग कार चुरा कर उसकी नंबर प्लेट बदल देते थे और यही नहीं, पुरानी कारों के चेचस नंबर के आधार पर नए कागज बनवा कर लोगों को चोरी की कारों को बेचा करते थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पूछताछ में जुट गई है। पिछले 2 महीने में लगातार कोटा शहर से ऑल्टो जो गाड़ी है वो चोरी की जा रही थी। अब तक लगभग 10 FIR हमारे विभिन्न थानों में दर्ज हो चुकी थी। इसी चीज़ को गंभीरता से लेते हुए टीम का स्पेशल गठन किया गया, जिसमें CO5 SHO गोरखेड़ा हमारी साइबर टीम
इनके द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 10 ऑल्टो व दूसरी गाड़ी जो चौपहिया वाहन है वो बरामद किए गए। इनके विरुद्ध पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है। अयोध्या में होली के त्योहार पर इस बार भगवा रंग चढ़ा नजर आ रहा है। बाजारों में रंग बिरंगी पिचकारी नजर आ रही, मोदी योगी की पिचकारी लोगों का मन मोह ले रही है। मोदी और योगी के मुखौटों के साथ गुलाल अबीर की खूब खरीदारी हो रही है। यही नहीं, यहां के व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले श्रद्धालु राम नगरी में ही होली खेले, जिससे उनका व्यापार बढ़े। खबर आसन से है, जहां पर सनातन धर्म उत्सव समिति आसन की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 9 अप्रैल को भारतीय नववर्ष के किस तरीके से भव्य बनाना है उससे लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद जिला प्रचारक नितेश सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भारतीय नववर्ष का आसन क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में वृंदावन आनंदम धाम के सदगुरु रितेश्वर जी महाराज विशेष रूप से कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वैर से खबर, यहां सड़क बनाई जा रही थी जिसका जायजा लेने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क पर डामर का काम करा रहे ठेकेदारों को लताड़ लगाई और कहा कि सड़क बनाने में सही ढंग के मटेरियल का प्रयोग किया जाए। वहीं अधिकारी ने लापरवाही न बरतने के निर्देश जारी किए। सड़क चैटोली से सलमपुर खुर्द के लिए 2 किलोमीटर सेंशन है। मौके पर सड़क लगभग 2550 मीटर की लंबाई में है, जिसकी सेंसन 80 लाख रुपए के लगभग है और इस पर डावरीकरण का वर्तमान में डावरीकरण का कार्य चल रहा है। मैं यहाँ पे जय नयन को लेके मौके पे इनके साथ में निरीक्षण किया है। कई जगह से हमने सैंपल लिए हैं, जिसमें 20 mm की स्थान पर कई जगह 27 भी आई है, 30 mm भी आई है थिकनेस, कहीं 22 भी आई है। तो इस तरह से सड़क का कई जगह निरीक्षण करते हुए सख्त इनको हिदायत दिए संवेदक को कि कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जाए, अगर कहीं भी खामी पाई जाती है तो स्वयं जिम्मेदार होगा। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर रेलवे स्टेशन से एक घटना सामने आई है। दरअसल एक युवक रेलवे स्टेशन के अंदर बेंच पर बैठकर फोन पर बातें कर रहा था, तभी वो अचानक नीचे गिर जाता है। हालांकि उसके पास बैठा व्यक्ति उसे उठाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। इस दौरान रूटीन गश्त करते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पर उप निरीक्षक अरविंद जाखड़, कांस्टेबल मांगेराम और लीलाधार ये सब देख लेते हैं और भागते हुए युवक के पास पहुंचते हैं। काफी प्रयास के बाद युवक को होश में लाया जाता है। जानकारी में पता चला है कि युवक को हार्ट अटैक आया था। हम श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर उच्च अधिकारी हमारे IG साहब महोदय श्री ज्योति कुमार सतीजा के निर्देशानुसार गश्त पर थे। गश्त के दौरान हमारे को एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर फ़ोन पर बात करते हुए अचानक जो गिर गया, जिसके पास हम दौड़कर मैं और मेरा स्टाफ पहुंचे, तो पहुंचने पर वो बेहोश की हालत में हमारे को पड़ा मिला। थोड़े फेस पे उसके ज़्यादा पसीना वगैरह आ रखा था बॉडी पे। बाद में हमने उसको उसके पैर से जूते वगैरह निकाल के हाथ पे मसाज वगैरह करके और उसको CPR दिया गया और ये घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। नौकरी का झांसा देकर रूस भेजे गए युवकों को रूसी सेना में शामिल करने के मामले में डिडवाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी एजेंट महेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर दिया है। मौलासर थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह के अनुसार एजेंट महेंद्र कुमार ने निनमाराम सहित 3 अन्य युवकों को अच्छी सैलरी और कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर रूस भेजा था, लेकिन वहां नौकरी करने के बजाय उन्हें रूसी सेना में भर्ती करवा दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसके तहत आरोपी महेंद्र कुमार को डिडवाना से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में अन्य बड़े खुलासे हो सकते हैं। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही, बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।